चेन्नई में भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा हुआ है। दूसरे दिन के खेल के अंत तक भारत ने 3 विकेट खोकर 81 रन बना लिए थे, जिससे उनकी बढ़त 308 रन की हो गई थी। तीसरे दिन भारत ने 287 रन पर पारी घोषित कर दी थी। उसके बाद बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है और 158 रन पर 4 विकेट गंवा चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में बनने वाले रिकॉर्ड के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में दूसरे दिन कई रिकॉर्ड बने। यशस्वी जायसवाल ने पहले 10 टेस्ट मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यशस्वी जायसवाल ने 1094 रन बनाए और सुनील गावस्कर के 978 रनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मैच के दूसरे दिन रोहित शर्मा ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे दिन एक रिकॉर्ड बांग्लादेश के हसन महमूद के भी नाम रहा। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद भारत की धरती पर एक पारी में 5 विकेट लेने वाले अपने देश के पहले गेंदबाज बन गए हैं और उनके साथ भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी बांग्लादेश की पहली पारी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 400 विकेट ले लिए हैं और खास गेंदबाजों की एक लिस्ट में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली भी इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, फिर भी उनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के क्लब में अब कोहली की एंट्री हो गई है। तो ये थे भारत और बांग्लादेश के मैच के दूसरे दिन बनने वाले कुछ रिकॉर्ड। ऐसे ही लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।